भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी सरकार के जन्मोत्सव राधा अष्टमी के पावन पर्व पर बेटमा नगर में भव्य चल समारोह निकाला गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ रावला स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर समाप्त हुआ। यात्रा का नगर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मंचों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। अन्नपूर्णा मंदिर से प्रारंभ हुए चल समारोह में राधा रानी, रासकर्ता मंडल, राधे राधे का जप करती महिला मंडल, घोड़े, बग्गी, सुमधुर भजन, डीजे पर झूमते श्रद्धालु चले। वहीं यात्रा में भारत माता, चंद्रशेखर, झांसी की रानी, वेशभूषा में आए बच्चे सहित महापुरुष और झांकियाँ भी आकर्षण का केंद्र रही। स्थानीय माँ अन्नपूर्णा मंदिर से दोपहर 3 बजे से प्रारंभ हुआ चल समारोह राधा कृष्ण मंदिर पर समाप्त हुआ, जहां महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा का आयोजन सनशाइन वुमेन्स क्लब बेटमा द्वारा किया गया था। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राधा बनने का मौका मिला। ये त्यौहार हर साल बेटमा की महिलाओं और सनशाइन वुमेन्स ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है, और हर साल इसमें महिलाएं बहुत उत्साह के साथ, हाँ ये मध्य प्रदेश का में सिर्फ बेटमा में ही मनाया जाता है हर साल राधाष्टमी का त्यौहार। और इसमें किस तरह देखते हैं आपको राधा का गेटअप मिला है, राधा जी की जो महिमा थी आज आपको देखने को मिली, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, आज राधा को बहुत कामनाएं। पूरे मध्य प्रदेश में राधा अष्टमी का शोभा यात्रा बेटमा नगर में ही निकाली जाती है और महिलाओं के द्वारा निकाली जाती है। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इसमें सबसे बड़ी शोभा यात्रा में महिलाएं होती है। आप सभी का बहुत सहयोग रहता है गाँववासियों का। मुझे राधा बनने की बहुत खुशी मिलती है। मुझे ना सब कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए बहुत 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 खुशी होती है। हर साल मैं बनती रहूं, ये भी मेरी बहुत इच्छा है। सुनैना आंटी के थ्रू मुझे राधा बनने का अवसर भी मिला है और सबका आशीर्वाद भी मिलता है और सबके साथ फ़ोटो खिंचाने में भी अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मैं राधा बनी हूँ इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है और ये मैं चाहती हूँ कि हर साल बनूँ मैं। राधे राधे। आज मुझे कृष्ण बनते हुए 4 वर्ष हो गए हैं। आज मेरी राधा रानी का जन्मदिन है। इस अवसर पर बेटमा शहर में ऐतिहासिक राधा अष्टमी की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मुझे हर वर्ष कृष्ण बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी तरह मैं आगे बनती रहूं और सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। जय श्री राम। कृष्ण बनने पर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और सभी का आशीर्वाद मिलता है। सभी के साथ, राधा के साथ रासलीला करते हुए, सभी के साथ फोटो खिंचवाते हुए बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।